आज हम बनाएंगे समा के चावल की कचौरी। ये हमने एक कटोरी समा के चावल लिए हैं, इनको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस लेंगे। हमने दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। अब हमने जो समा के चावल मिक्सी में पीसे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्च, बारीक बारीक हरी मिर्च काट रखी है वो डाल दी है। हरे धनिया की पत्तियाँ, सेंधा नमक जो हम व्रत में खाते हैं। अब इनको हल्के हल्के हाथों से हम मिक्स करके इसका एक डो लगा लेंगे। सबसे पहले हम आलू मिक्स करेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हल्का थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसका डो लगा लिया है। आप भी इसी तरह से डो तैयार कर लें। अब हमने एक कढ़ाई में तेल रख दिया है और हम इसकी छोटी छोटी कचौरियाँ बनाएंगे। हम अपने हाथ पे घी लगाएंगे क्योंकि ये डो चिपकता है। जब हम इसको अपने हथेलियों पर घी लगाएंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। ये देखिए कचौरी बनाते वक्त आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, हमें कचौरी ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, हमें कचौरी मीडियम साइज़ की बनानी है। अगर हम ज़्यादा कचौरी मोटी बनाएंगे तो वो सिकेंगी नहीं, वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हम पतली और मीडियम साइज़ की कचौरी बनाएंगे ताकि वो सिकने के बाद कुरकुरी लगे। ये देखिए अगर हम ज़्यादा बड़ी कचौरी बना देंगे तो उसके किनारों से वो फट जाती है। देखिए मैंने सारी मीडियम साइज़ की कचौरी थी। अब हमारा तेल हो चुका है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए तेल हमारा हमने फुल फ्लेम पे रख के गर्म किया था। ये देखिए कचौरी हमारी बिल्कुल जैसे ही फ्राई हुई अपने आप ऊपर आ गई, बिल्कुल कढ़ाई में नहीं चिपकी। अब हम इन्हें से एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमारी कचौरियाँ बिल्कुल सिक चुकी हैं और कुरकुरी लग रही हैं देखने में। ये देखिए आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, आप आलू का रायता बना सकते हैं और घिया का, जो भी आप व्रत में खाते हैं।